देखिए, हम अपोजिशन में थे, जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ हुआ था, जो बेईमानी, शब्द यूज कर रहा हूं, जो बेईमानी हमारे साथ शिवसेना ने की थी, जिस प्रकार से मेरी पीठ में और बीजेपी की पीठ में उद्धव ठाकरे जी ने खंजर भोंपा था, तो ये तो हम लोग निश्चित रूप से चांस ढूंढ रहे थे वापिस आने का। हम लोग तो कोई यहां पर तपस्या करने के लिए या साधु संत बनने के लिए तो आए नहीं है, हम लोग तो राजनेता है, हमको तो जनता की सेवा करनी है। तो हमारे साथ बेईमानी होगी तो हम तो उसका जवाब देंगे। तो जैसे ही शिंदे जी मेरे हिसाब से वहां पर जिस प्रकार का, और इसका क्रेडिट तो उद्धव जी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उद्धव जी का और आदित्य जी का जो उनके साथ व्यवहार था, उसके कारण निश्चित रूप से उन्होंने फैसला किया बाहर निकलने का। अब कोई बाहर निकलने का फैसला करे और हमको ये पता चले कि ये बाहर निकले हैं, तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं 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 शिंदे जी आप वापस चले जाइए और उद्धव जी के साथ जाकर बैठिए। हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छा, आप बाहर निकले, हमको भी हमारा बदला लेना ही है, हम आपको साथ देने को तैयार है। तो हमने हाँ 100% किया। और मुझे इस बात की खुशी है, जो बेईमानी मेरे साथ हुई थी उसका बदला लिया।